हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नूर कुकिंग स्कूल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इजी एंड टेस्टी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है हंडी कबाब। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना स्टेप बाय स्टेप। हंडी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स बकरे का गोश्त मटन लिया है, 5 पल्ली तेल, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट और ये लौंग इलायची, 4 लौंग, 2 इलायची है। गोश्त के साथ इन सब चीज़ों को डालकर ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पीसना होगा। हमने मटन को मसालों के साथ बारीक पीस लिया है, देखिए इस तरह से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन में तेल डालकर गर्म होने के लिए रखें। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ गोश्त डालेंगे। और अच्छे से हिलाएंगे। हाई फ्लेम पे आप 2 मिनट तक इसी तरह से हिलाते रहिए। इससे गोश्त खीमा खीमा बन जाएगा और जल्दी गोश्त गल जाएगा। अब थाली ढककर इसे 2 मिनट के लिए पकने रखें। दो मिनट के बाद आप दोबारा इसको अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें 1/2 गिलास पानी डालें। फिर गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करें। फिर इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए रखें। देखिए कबाब में पानी सूख चुका है। अब इसको 1 मिनट तक अच्छे से हिलाएं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा कड़क और ब्राउन कलर का हो जाए। हंडी कबाब तैयार हो चुका है फ्रेंड, आप प्लीज़ इसे ट्राई करें। इसको दाल चावल या रोटी चपाती पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत इजी है इसको बनाना। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।